गुड मॉर्निंग स्वीट चिल्ड्रन, सो वेलकम टू साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। आई होप दैट यू हैव रेड द चैप्टर फुली एंड यू हैव लर्न द डेफिनेशंस प्रॉपरली। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद Part A, that is fill in the blanks. First is, all irreversible changes bring a dash change in a substance. जितने भी irreversible changes होते हैं, जो अपनी उसमें अपनी position में वापस नहीं जा सकते original position में, तो वो किस तरीके का change लेके आते हैं? Either you can write permanent or you can write permanent only, because sometimes it can be chemical, sometimes it cannot be. Okay, so second is, a change in which the substance produced can get back to the original form is called a dash change. वो चेंज जिसमें एक सब्सटेंस अपनी वापस ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज। देन बेंडिंग ऑफ एन आयरन रोड इज अ कैसा चेंज होगा? बेंड किया आयरन रोड को, आयरन रोड को बेंड किया तो ऑब्वियसली वो कोई नई चीज़ तो नहीं बन रही है ना, है ना? सो इट कैन बी फिजिकल चेंज। Burning of a fuel is a chemical change, whereas rusting of iron is a dash chemical change. इसमें आप क्या बताएंगे, कैसा chemical change है? Slow or fast? ठीक है, कोई fuel जल रहा है तो वो fastly जल रहा है, साथ के साथ जल रहा है, साथ साथ जलता जा रहा है, so it is fast chemical change. Whereas rusting of iron, ये धीरे 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 होता है, that's why we will say that it is slow chemical change. Then, in chemical change, new substances with dash properties are formed. कैसी properties बनती हैं? New and different properties. ठीक है, new substances, जो भी नया substance बनेगा उसकी properties भी different होंगी और ऑन द होल न्यू भी होंगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, यू कैन राइट डिफरेंट ओनली, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। फाइन, देन वी आर कमिंग टू पार्ट बी, दैट इज ट्रू और फॉल्स। देन राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देन ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ फास्ट चेंज। क्या बल्ब को जलाना एक फास्ट चेंज होता है? यस, जैसे ही बटन ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब जल जाता है, सो दैट इज ट्रू। नाउ डीफॉरेस्टेशन इज अ रिवर्सिबल चेंज। डीफॉरेस्टेशन, जो हम धरती के ऊपर से पेड़ काट काट के उस जगह को बिल्कुल गंजा करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ बना लेते हैं, चाहे हाउसेस बनाए, चाहे इंडस्ट्रीज, चाहे फैक्ट्रीज, कुछ भी बना रहे हैं, वो डीफॉरेस्टेशन वो कह रहा है कि इट इज़ रिवर्सिबल चेंज, मतलब ये वापस हो जाएगा। सो उसको वापस हो अगर हम कराने भी लगेंगे, इट विल टेक अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज इरिवर्सिबल चेंज। डीफॉरेस्टेशन इज अ इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, सो इट इज़ फॉल्स। नाउ बर्निंग ऑफ पेपर इज अ टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी का मतलब है थोड़ी देर के लिए हुआ, उसके बाद वापस अपनी जगह पे चला जाना। इज इट पॉसिबल? पेपर जिसको आपने बर्न कर दिया, क्या वो वापस वैसा ही पेपर बन सकता है? नहीं, है ना? सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। देन कटिंग ऑफ एन एप्पल इज अ केमिकल चेंज। जब हमने एप्पल को कट किया तो कोई नई चीज बनी? नहीं बनी ना, बट ही इज सेइंग दैट इट इज अ केमिकल चेंज। That means it is also false. Then, making of fruit salad is a chemical change. Again, वही बात हो गई ना, cutting of an apple वाली।
फ्रूट सैलेड बनाने का मतलब है कि फ्रूट को कट करके, हर तरह के अलग अलग फ्रूट्स कट करके आपने एक उसमें बाउल में या प्लेट में रख दिया है, ठीक है। तो अगर आपने खीरा कट किया तो वो कट करने के बाद क्या वो कुछ और बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें कुछ ऐसा चेंज आ जाएगा जिसमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज बन रही हैं? बिल्कुल नहीं। खीरा मतलब खीरा, टमाटर मतलब टमाटर, है ना? सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। देन सिक्स्थ इज चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है जब उसकी सिर्फ स्टेट चेंज होती है, बट कर्ड और मिल्क में तो बहुत फ़र्क है ना? एक तो उसकी स्टेट तो चेंज हो ही गई कि वो लिक्विड से सेमी सॉलिड बन गया है, बट और क्या गड़बड़ हुई कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल चेंज हो गई है ना? जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो कर्ड है वो खट्टी होती है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। इट कैन बी अ केमिकल चेंज बट इट कैन नॉट बी अ फिजिकल चेंज। ओके। और कटिंग ऑफ एन एप्पल और मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलेड में हमें क्या लिखना चाहिए? ट्रू बनाने के लिए, स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हम क्या लिखेंगे? दैट दे आर फिजिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर इज अ टेम्परेरी को अंडरलाइन करके आप क्या लिखोगे? परमानेंट चेंज, अगर करेक्ट करनी है तो। डिफॉरेस्टेशन इज अ अ की जगह एन, रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल। ओके। इसके आगे आई आर लगाना है बस, और फर्स्ट तो हमारी ट्रू ही है, ठीक है। चलें आगे, दैट इज पार्ट सी। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ फास्ट चेंज? फास्ट चेंज मतलब जो जल्दी जल्दी हो रहा है। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, भाई बहुत धीरे होती है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, वो भी कई दिनों के, काफ़ी दिन, हफ्ते, महीने लग जाते हैं, ठीक है। बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, यस ये फटाफट होता है ना? जैसे ही हम आग लगाएंगे और क्रैकर फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। सो इट इज़ फास्ट चेंज। देन कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड ऑल्सो टेक्स टाइम। सो आउट ऑफ दीज द राइट आंसर इज बर्स्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर। देन सेकेंड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ, देखो फिजिकल चेंज है या फास्ट चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है, क्या केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज कुछ नई चीज़ बन रही है, पानी से पानी की ड्रॉप्स बन रही हैं। देन इरिवर्सिबल चेंज जो वापस नहीं आ सकता है। देन फास्ट चेंज जो बड़ी जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, या फिजिकल चेंज की उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। यस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में ये वापस आ जाता है, ऊपर जाएगा, क्लाउड बनेगा और वापस नीचे आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर इट्सेल्फ, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द आंसर, दैट इज फिजिकल चेंज। देन विच वन ऑफ दीज चेंजेस इज अ रिवर्सिबल चेंज? इनमें से रिवर्सिबल कौन सा भाई? बर्निंग ऑफ अ कैंडल, एक कैंडल पिघलती हुई ख़त्म हो जाएगी, नीचे पिघल के आ जाएगी, है ना? सो इट इज़ इरिवर्सिबल। देन इन्फ्लेटिंग ऑफ अ बलून, यस अगर बलून फूले हुए बलून को अगर हम फुलाते हैं और फिर उसकी हवा निकाल देते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। देन बेकिंग ऑफ चपाती, बिल्कुल नहीं, चपाती पकने के बाद वापस कभी भी आटा नहीं बनती। देन ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स इनटू फ्लोर, तो क्या हम जब गेहूं के दानों को पीसते हैं तो वो क्या आटा बन जाता है? तो क्या हम उसको वापस गेहूं के दाने बना सकते हैं? नेवर, नहीं बनता है ना? सो इसमें आएगा हमारा इन्फ्लेटिंग बलून, बलून को फुलाना और वापस अपनी पोजीशन में छोड़ देना। देन वी आर हैविंग विच वन ऑफ दीज इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज? इरिवर्सिबल मतलब जो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता है। सो दैट इज़ ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, क्या एक बच्चा बड़ा होके वापस बच्चा बन सकता है? नहीं बन सकता है। बट जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, आ जाता है। एवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर की इवेपोरेशन होगी तो वो क्या वापस हो जाएगी? यस,
वो क्या होगा, पहले क्लाउड्स बन के ऊपर जाएगी, फिर क्लाउड से नीचे आएगी, फिर नीचे आके जब वो रेन वाटर नीचे आएगा तो अगेन वो इवेपोरेट हो जाएगा और इवेपोरेट होके ऊपर भाग जाएगा, है ना। सो इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल। देन वी आर हैविंग फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, वाटर से आइस बनाना। तो आइस को बाहर रख दो तो फिर वाटर बन जाएगा, वाटर को फिर फ्रीजर में रख दो फिर आइस बन जाएगी। दैट मीन्स दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस, सो दे आर रिवर्सिबल चेंजेस एंड ओनली वन इरिवर्सिबल चेंज इज ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। देन अ पीस ऑफ पेपर अंडर गोज अ केमिकल चेंज वैन, केमिकल चेंज कब हुआ पेपर के साथ, जब हमने उसको कट कर दिया, नहीं पेपर ही रहा, फोल्ड कर दिया तो भी पेपर ही था, रीशेप्ड इनटू अ पेपर टॉय, पेपर टॉय बना दिया तो भी पेपर ही है, खोल देंगे तो वापस पेपर बन जाएगा। देन बर्न्ड, यस बर्न करेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, ऐश बन जाएगा एंड इट विल बिकम अ, इट विल बी अ केमिकल चेंज। सो दिस इज द आंसर, दैट इज बर्न्ड। नाउ पार्ट डी। सो बच्चे इसकी मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ इन द डॉक्यूमेंट्स योर एक्सरसाइज, एंड फर्स्टली एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऐसे ही ओरली। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज अ चेंज दैट कैन, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट बैक इन टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है वो हो गया रिवर्सिबल चेंज। देन केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या आएगा, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिजिकल चेंज में इसका उल्टा बड़ा सिंपल है, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट इज़ द फिजिकल चेंज। और इन डेफिनेशंस के साथ एग्जाम्पल देना नहीं भूलना, पेपर में भूलना नहीं है, ठीक है। देन पार्ट डी, डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट एंड स्लो चेंज। सो द डिस्टिंग्विश इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो ऑन पेज नंबर 72, सेम बिल्कुल एज इट इज, यही डिफरेंस आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट नंबर पे डेफिनेशंस हैं, अ चेंज दैट टेक प्लेस इन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंज, एंड द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब बड़ी जल्दी हो गया थोड़ा सा टाइम लिया, सो इट इट इज़ फास्ट चेंज। देन एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंजेस, चेंज ऑफ सीजन, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, रस्टिंग फायर, एंड आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन फास्ट चेंज में बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ क्रैकर, लाइटनिंग ऑफ बल्ब, कटिंग ऑफ एन एप्पल, कटिंग ऑफ सैलेड, सो आप ये सारा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। ओनली टू एग्जाम्पल्स यू हैव टू गिव। देन गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। सो बच्चे ऑन पेज नंबर 73 डिफरेंस भी दे रखा है, डिफरेंस के साथ इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। तो रिवर्सिबल चेंज में आप फ्रीजिंग ऑफ वाटर या इवेपोरेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड या फोल्डिंग ऑफ पेपर या स्विचिंग ऑन और ऑफ ऑफ लाइट, ये सब लिख सकते हैं। और इरिवर्सिबल में चेंजिंग ऑफ डो इंटू चपाती, मेकिंग अ ड्रेस फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथ, गेटिंग ओल्डर, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो इनमें से कोई भी आप दो लिख लीजिए। एंड स्टेट सम ऑफ द इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन नेचर। सो नेचर के अकॉर्डिंग आपको देखना है जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, जो एक बार होने के बाद वो दोबारा से नहीं वापस होते। तो इस तरीके से जैसे हम ले सकते हैं डीफॉरेस्टेशन, है ना। देन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज इन इन विच एनर्जी इज गिवेन आउट एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब। सो एनर्जी गिवेन आउट में क्या आता है, बर्निंग ऑफ कैंडल, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ एलपीजी, ठीक है। और एनर्जी इज एब्जॉर्ब में क्या आता है, मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। बट अभी वो क्या पूछ रहा है, एनर्जी इज गिवेन आउट इन अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में चेंज यहाँ पे जो हमने बात की, बर्निंग ऑफ कैंडल दैट इज अ केमिकल चेंज,
रेस्पिरेशन दैट इज अ केमिकल चेंज, देन बर्निंग ऑफ एलपीजी दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ग्लोइंग ऑफ बल्ब में एनर्जी गिवन आउट भी हो रही है ना, एंड इसमें एनर्जी इज एब्जॉर्ब में, इसमें तो मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल अगर आप लोगे तो दैट इज़ फिजिकल ओनली, मेल्टिंग ऑफ आइस लोगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर लोगे, दैट इज़ फिजिकल ओनली। ठीक है, ओके, तो आप फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये भी ले सकते हो, एनर्जी इज गिवेन आउट में, क्योंकि एनर्जी गिवेन आउट होगी, वाटर की एनर्जी गिवेन आउट होगी, ठंडा होएगा तभी तो फ्रीज होएगा ना। सो अगर दोनों आपने इजी तरीके से लिखना है तो एक बार बॉइलिंग ऑफ वाटर एनर्जी इज एब्जॉर्ब में लिख लीजिए, एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर आप एनर्जी इज गिवेन आउट में लिख लीजिए। ओके, नाउ आई होप दैट इट इज़ क्लियर, दिस वॉज पार्ट डी। सो पार्ट ई, आई वॉज हैविंग सम स्क्रैचेज ओवर हेयर, सो यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। फर्स्टली गिव टू डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। टू डिफरेंसेस का मतलब है कि आप अपना एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो राइट दैट पेज नंबर 73 पे सेकेंड पॉइंट का सिर्फ पहली लाइन, दैट दीज आर टेम्परेरी चेंजेस एंड दीज आर परमानेंट चेंजेस, सिर्फ इतना, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट तो डेफिनेशन पूरी लिखेंगे, सेकेंड में दीज आर टेम्परेरी एंड दीज आर परमानेंट एंड एनी टू एग्जाम्पल्स यू कैन टेक। Then, second, formation of curd is an irreversible as well as chemical change. Justify this statement. Justify का मतलब है प्रूव करो कि क्या हम सही बोल रहे हैं कि curd जो बनी वो irreversible है और chemical है। बड़ी सिंपल सी बात है, irreversible का मतलब ये वापस मिल्क नहीं बन सकती। तो formation of curd is an irreversible change because it cannot back get back to its original position, that is milk. So it is ए रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, आप केमिकल के लिए कहेंगे बिकॉज इट चेंजेस, मिल्क चेंजेस इन टू द न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अदर देन द मिल्क। मिल्क से डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ना कर्ड की, दैट्स वाई इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो अगर कोई ऐसे जस्टिफाई करने को कहता है तो पहले उसकी दोनों की डेफिनेशन देखो कि इरिवर्सिबल क्या होता है, केमिकल क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन देख के फिर उसको इसके साथ रिलेट कर दो। अगर हम कह रहे हैं आपको जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है बट आपको इसको प्रूव करना है, सो यू कैन प्रूव इट बाय द डेफिनेशन। ओके, देन वाटर साइकिल इज अ नेचुरल चेंज, क्लासीफाई इट एज अ फिजिकल और केमिकल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंड जस्टिफाई योर आंसर। वाटर साइकिल एक नेचुरल चेंज है तो आपको ये बताना है ये फिजिकल है या केमिकल है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ठीक है, सो वाटर एक नेचुरल चेंज है। ठीक है, वाटर साइकिल में तो क्या हो रहा है कि पानी इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होके क्लाउड बन रहा है, क्लाउड बन के वो नीचे आ रहा है, सो अगेन इवेपोरेट हो रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, अगेन नीचे आ रहा है, सो ओनली द स्टेट ऑफ वाटर इज चेंजिंग, दैट्स वाई एंड नो न्यू सब्सटेंस इज बींग फॉर्म्ड, दैट्स वाई इट इज द फिजिकल चेंज। एंड ऑल द चेंजेस आर इन अ साइकिल, दैट पहले पानी बना, फिर वेपर बना, फिर से पानी बना, फिर वेपर बना, है ना, और बीच में आइस भी आ जाती है तो भी वो स्टेट चेंज है, बस है तो वाटर ही। ठीक है, सो दिस वॉज योर जस्टिफिकेशन ऑल्सो। नाउ हाउ कैन वी से दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज बट द ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज। ग्लोइंग ऑफ बल्ब में बेटो क्या है कि देखो, आपने ऑन किया देन ऑफ किया, उसमें कोई नई चीज़ तो नहीं बनी ना, ऑन किया ऑफ किया, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, है ना। बट जब बर्निंग ऑफ कैंडल है, बर्निंग ऑफ कैंडल में आपके वेपर्स बन रहे हैं, आपके क्या बन रहे हैं, स्मोक बन रहा है, सो स्मोक और वेपर्स जब अलग हो जाते हैं उससे तो कैंडल का कैंडल की शेप भी चेंज हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज हो जाती हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5,
एंड यू कैन फाइंड इट इन द डॉक्यूमेंट्स, सो गेट इट फ्रॉम देयर एंड डू सॉल्व द पजल गिवन एट द बैक पेज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पेज नंबर 82. ओके, दिस वन समथिंग टू डू अपने बुक में कीजिए एंड टेक द पिक एंड सेंड इट टू मी. नाउ विद द असाइनमेंट यू हैव टू सेंड मी ऑल द फुल मीन्स ऑल द क्वेश्चन एंड ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द डायग्राम्स, ऑल द पिक्स यू हैव टू सेंड टू मी विद द वर्क. ठीक है, सो यू कैन डू दिस वर्क इन दिस इज थर्सडे, यू कैन सबमिट इट अप टू मंडे. बट साथ साथ में बच्चे चैप्टर नंबर 4 जो हमने किया था उसकी आप तैयारी कीजिए, लर्निंग कीजिए, ताकि हम उसका टेस्ट ले सकें. एंड आई विल बी टेकिंग टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 वेरी सून, यू विल गेट द डेट ऑफ दैट. सो आई होप दैट यू विल डू इन दीज डेज, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 days आर देयर विद यू. सो कंप्लीट योर वर्क. ओके, एंड डू लर्न चैप्टर नंबर 4 साइड बाय साइड, धीरे धीरे, ताकि हम आपका टेस्ट लें. ओके ओके देन, बाय.